मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने पैदल मार्च निकालकर माधव चौक पर आत्मा की शांति के मौन धारण कर कहा, समानता नहीं सुरक्षा चाहिए, दोषियों को फांसी दो। शिवपुरी में कोलकाता में हुई डॉक्टर बेटी की हत्या और रेप का विरोध प्रदर्शन करते हुए शिवपुरी में राजमाता विजयराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल के छात्रों ने मेडिकल कॉलेज से माधव चौक तक पैदल मार्च निकाला। माधव चौक पर देश की बेटी के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। बेटी की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया गया। बेटी को न्याय देने की मांग की है। साथ ही पैरामेडिकल के विद्यार्थियों ने मांग की है कि दोषियों पर कार्रवाई कर जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जाए। साथ ही पैरामेडिकल के विद्यार्थियों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि समानता नहीं सुरक्षा चाहिए, देश की बेटी को न्याय चाहिए। मेरा नाम राहुल लोधी है। हम सभी लोग राजमाता विजयराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं और आज हम सभी लोगों ने पैदल मार्च को निकाला है। हमारी बहन के साथ, देश की बेटी के साथ कोलकाता में जो निर्ममता उसके साथ ये मानवता को तार तार करने वाली जो घटना हुई है, आप देखिए उसके साथ में ग्रुप के लोग रेप करते हैं और उसके बाद उसकी हत्या कर देते हैं। सबसे बड़ी बात तो वहाँ के प्रशासन की है, कॉलेज कैंपस की, कैंपस के अंदर गुंडे दरिंदे कैसे लोग घुस जाते हैं। आप इस देश में देखिए, निर्भया कांड के बाद अगर यही घटना हमें देखने को मिलती है तो क्यों हम आज़ाद हैं? निर्भया कांड के बाद कानून व्यवस्था बदलने के बाद भी इस आज़ाद भारत में हमें अगर यही सब देखने को मिल रहा है तो हम आज़ादी, हमें नहीं मानता कि हमें आज़ादी मिली होगी। देखिए आप किस प्रकार से उसके साथ निर्ममता की गई है, लोगों ने ग्रुप करके उसकी आँखों को लोच दिया गया है, उसके शरीर में ना जाने कितने टुकड़े उसमें छिद्र किए हैं, शरीर में जगह जगह खरोंचे हैं उसकी बेटी के, देश की बेटी के साथ इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं मानवता को तार तार कर देने वाली हैं। इस पर मैं कहूँगा कि बहन मायावती को, ममता बनर्जी को ध्यान देना चाहिए। आप खुद महिला हो और आप महिला की पीड़ा को समझ सकती हो। बस हम सभी राजमाता विजयराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज पैरामेडिकल एसोसिएशन के छात्रों की यही मांग है कि आप सभी इस पर न्याय दें और बेटी को जल्द से न्याय दें और ऐसा कड़ा कानून बनाए कि इससे पहले अगर कोई कृत करने से पहले इस प्रकार की सोच उसको 1000 बार सोचना पड़े, बस यही कहना चाहूँगा। मेरा नाम दीपक कुमार आचार्य है। मैं पैरामेडिकल छात्र हूँ जो कि विजयराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत हूँ। आज हमने पैदल मार्च निकाला है जो कि हमारे जूनियर डॉक्टर को कोलकाता में उनके साथ में इतनी निर्मम हत्या की गई है और उनके साथ में इतना मतलब बहुत गलत किया गया है, उनका रेप किया गया है, उनकी हत्या कर दी गई। तो हम चाहते हैं सरकार से कि उनको एक न्याय मिले और उनको आगे से ऐसी कभी कोई घटना ना हो और दोषियों को इतना कड़ा दंडित रखा जाए कि मतलब आगे कोई भी ये ऐसी घटना करने के लिए 100 बार सोचे और करने से पहले 10-10 बार सोचे और हाथ पैर कांप जाए। इतनी मतलब इतनी अच्छी तरीके से सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। हम सब अपील करते हैं सरकार से कि इस वो जल्द से जल्द दोषियों को सजा दी जाए और हमारी जूनियर डॉक्टर को न्याय मिले। धन्यवाद। आज आपने जो मार्च निकाला पैदल मार्च और श्रद्धांजलि भी दी गई है, किसको श्रद्धांजलि दी गई है और क्या कुछ उसका कारण है? कोलकाता में जो डॉक्टर था मैडम उसमें निकाली गई है उनको, ये इस लड़की का केस नहीं है, यहाँ हजारों लाखों की होती है, हमें पता भी नहीं होता रोकने के लिए और अपराधी को फांसी की सजा दिलाने के लिए सारे भी निकाली गई है। आपने पैदल मार्च निकाला है, कहाँ से निकाला और श्रद्धांजलि दी गई? ये जो पैदल मार्च है वो राजमाता विजयराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज के पैरामेडिकल एसोसिएशन के छात्रों द्वारा निकाला गया है। और तो भोपाल में जो हमारी डॉक्टर के साथ क्रूरता और निर्ममता मानवता को तार तार कर देने वाली जो घटना हुई है उसको लेके मार्च हमने निकाला है, क्योंकि आप देखिए कोलकाता में हमारी महिला डॉक्टर के साथ में उसकी रेप करते हैं, ग्रुप के साथ उसका रेप होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है, मगर सरकार के मुंह पर कोई जू नहीं निकलती है। और वहाँ पर जो सरकार है ममता बनर्जी की, ममता बनर्जी खुद एक महिला है, वो महिला की पीड़ा को वो समझ सकती है, इसके बावजूद भी आज दिनांक तक वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि ममता बनर्जी खुद सड़कों पर उतर रही है कि हम सरकार बच्ची को न्याय दिलाएंगे। अरे आप क्या न्याय दिलाएंगे, अपराधी जो हैं अपराधियों को आप ऑनलाइन व्हाट्सएप फेसबुक के थ्रू आप उनको नोटिस भेज रहे हो, आप उनको गिरफ्तार कीजिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। और इस आज़ाद भारत में 15 अगस्त 14 अगस्त के दिन ये घटना होती है, इस बात पर मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक पंक्ति याद आती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है।
है। 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है, रब की पूरी बतन नहीं पूरी है। काट दिया।